मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके एक घंटे बाद मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने NTA को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बार कोड को उन्होंने फाड़, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था जिससे पता चल रहा है, ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फाइनल आंसर की से चेक किया था। ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश की आयुषी पटेल। इनका ये वीडियो हमें ऑटोप्सी सर्जन डॉक्टर धीरज महेश्वरी के ट्विटर पेज में शेयर मिला। जब हमने इस पर और रिसर्च की तो हमें पता चला कि आयुषी पटेल ने कोविड के दौरान देश के कई बड़े वैज्ञानिकों के गाइडेंस में कोविड वैक्सीन का फॉर्मूला भी तैयार किया था और तब ये 12वीं क्लास में थी। ये इनका तीसरा अटेम्प्ट था नीट की परीक्षा में, जिसमें NTA की आंसर की के हिसाब से इन्हें 715 अंक मिल रहे थे, लेकिन NTA ने इनकी OMR सीट को फटा बता दिया। देश भर में मेडिकल के UG कोर्सेज में दाखिले के लिए NTA द्वारा कंडक्ट की जाने वाली नीट परीक्षा इस बार सवालों के घेरे में आ गई है। कारण है 4 जून को घोषित हुए परीक्षा परिणाम। इस बार के परीक्षा परिणामों में कुछ विषयों पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इसमें हरियाणा का एक सेंटर इस पूरी कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया है। कारण है ग्रेस मार्क्स और टॉप करने वाले छात्रों की संख्या। इसके इर्द गिर्द और भी सवाल हैं। बात करेंगे इन सब पर, उससे पहले मैं हूँ स्वर्णिमा और आप देख रहे हैं शब्द सांची। इस बार नीट की परीक्षा में कुल 67 छात्रों ने पूरे यानी 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं, जो नीट के इतिहास में पहली बार है। तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर सुब्रमण्यन ने कहा कि साल 2020 से एक या दो छात्र हैं जिन्हें पूरे नंबर मिले हैं। IMA के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी इसे बेहद अनयूजुअल कहा है और इसमें से मात्र हरियाणा के छज्जर के एग्जाम सेंटर से ही 6 ऐसे छात्र हैं जिन्हें पूरे अंक मिले हैं। इसलिए ये एग्जाम सेंटर सवालों के घेरे में आ गया है। NDTV की एक रिपोर्ट में हरियाणा के एक अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें कई पेरेंट्स की शिकायतें आ रही हैं और ये शिकायतें ग्रेस मार्क्स को लेकर हैं जो कई छात्रों को दिया गया है, जबकि नीट एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रावधान है ही नहीं। तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर MA सुब्रमण्यन ने कहा कि इस बार जिन छात्रों के 720 में से 650 अंक भी आए हैं उनको भी मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल है। देश भर में इन्हीं सब को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इस ग्रेस मार्क्स के लफड़े को थोड़ा और समझते हैं। ऐसे एक छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनमें से 2 छात्रों को 720 में से 718 और 719 नंबर मिले हैं, वो भी एक ही सेंटर के, जो किसी भी तरह से नीट की परीक्षा के नेगेटिव स्कोर स्कीम में स्टैटिस्टिकली फिट नहीं बैठता है। इस ग्रेस मार्क्स के लिए जिम्मेदारों ने कारण दिया है टाइम लॉस का। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क का कहना है कि अगर किसी भी तरह के ग्रेस मार्क्स का प्रोविजन था तो वो परीक्षा के पहले ही नोटिफिकेशन में क्यों नहीं बताया गया। परीक्षा के बाद टाइम लॉस के बेसिस पर ग्रेस मार्क्स देना सही नहीं है। अब इस पर NTA की सफाई ये है कि उसने साल 2018 का सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट के तहत ऐसा किया है। एजेंसी ने कहा कि उन्होंने कुछ
छात्रों की टाइम लॉस की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए एक ग्रेवियांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी, जिसमें टाइम लॉस को कंपनसेट करने के लिए छात्रों को उनकी आंसरिंग एफिशिएंसी और टाइम लॉस के बेसिस पर मार्क्स दिए जाने का फैसला लिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर अधिवक्ता पी विल्सन ने इस पर तीन तर्क दिए हैं। पहला, ग्रेस मार्क्स के विषय में कोई भी जानकारी प्रॉस्पेक्ट्स में नहीं थी, वही जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर्स ने कहा था। दूसरा, किसी भी तरह से कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स देना इसलिए क्योंकि उन्हें टाइम लॉस की शिकायत थी, ये गलत है। तीसरा, जैसा कि एनटीए ने अपने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के क्लैट एग्जाम की 2018 के वर्डिक्ट से जोड़ा है, ये 6 साल पुरानी जजमेंट है जो क्लैट की ऑनलाइन परीक्षा के लिए दी गई थी, जबकि नीट की परीक्षा पेन पेपर मोड में होती है। इतनी बड़ी संख्या में टॉपर्स के होने पर एनटीए ने एक और तर्क दिया है कि क्वेश्चन पेपर नई एनसीईआरटी की किताबों को ध्यान में रखकर बनाया गया था और कई छात्रों के पास पुरानी एनसीईआरटी की किताबें थी, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा 5 नंबर दिए गए हैं, जिस वजह से 44 छात्रों के नंबर 715 से बढ़कर 720 हो गए और टॉपर्स की संख्या बढ़ गई। अब आप लोग क्योंकि मध्य प्रदेश के हो तो आपको मालूम होगा यहाँ का बिगेस्ट स्कैम जो था ये व्यापम हुआ था। मेरे हिसाब से ये जो नीट 2024 यूजी एग्जामिनेशन है, इसको व्यापम का बाप कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, साफ समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से आप रिज़ल्ट देख रहे हो, रिज़ल्ट पहली बार ऐसा हुआ है, आपको चौंकाने वाले ऐसे ऐसे तथ्य मिल रहे हैं कि आज से पहले नीट के इतिहास में कभी भी 720 या टॉपर्स जो थे वो सिर्फ 3 बच्चे लाए आए थे। आज 2024 के एग्ज़ाम में 67 बच्चे ऐसे हैं जो 720 में से 720 स्कोर लेके आए हैं। और मज़े की बात ये है कि ऐसे कई उदाहरण दिख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हरियाणा के थे वो हरियाणा से गोधरा गए और गोधरा गुजरात 700 किलोमीटर जाके वहाँ उन्होंने पेपर दिया, और उस सेंटर से, इसी तरह झज्जर के एक सेंटर से लगातार सेम सीरियल नंबर के रोल नंबर्स में बच्चों को एक से मार्क्स आ रहे हैं, और वो भी मार्क्स जो हैं वो 720 आउट ऑफ 720 हैं। नीट से जुड़े कुछ और मुद्दों पर ध्यान खींचना चाहेंगे जिसको लेकर विवाद हो रहा है। नंबर एक, परीक्षा के परिणाम निर्धारित समय से 10 दिन पहले आ गए और वो भी लोकसभा चुनाव के नतीजों से इसकी तारीख क्लैश कर गई। दूसरा, पेपर लीक का मुद्दा। आईएमए का कहना है कि देश के कई लोकेशंस में नीट के पेपर लीक हुए थे, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि एनटीए का कहना है कि उन्होंने सब कुछ जांचा परखा था और पेपर लीक जैसा कुछ भी नहीं हुआ। आईएमए ने इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। मामले को लेकर एनएसयूआई ने कल भोपाल में प्रोटेस्ट भी किया और उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से व्यापम घोटाला हुआ, यहां पर जो है मुन्ना भाई एमबीबीएस फर्जी डॉक्टर बनाने की सरकार की कोशिश थी, आज ये घोटाला मुन्ना भाई फर्जी एमबीबीएस बनाने की बात व्यापम घोटाला उठकर जो है दिल्ली तक पहुँच गया है। दिल्ली में जिस प्रकार से एनटीए जो कि एग्जाम कराने वाली प्राइवेट एजेंसी है, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक प्राइवेट एजेंसी के हाथ में छात्रों का भविष्य दे दिया है और वो एजेंसी एक एग्जाम कराती है नीट का, जिसमें आप देखेंगे कि 720 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें से 719 और 718 जैसे नंबर 60 से ऊपर छात्रों को आए हैं। उसमें जो टॉप 5 में आए हैं छात्र, वो हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर से आए हैं। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से इस नीट के एग्जाम में जो है घोटाला हुआ है, फिर से करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन करके फर्जी मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे डॉक्टर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज एनएसयूआई ने इसी को लेकर जो है यहां पर प्रदर्शन किया है, और हम लोग मांग करते हैं कि एनटीए की और इस नीट के एग्जाम की जो है सीबीआई से जांच कराई जाए, और जांच कराकर जो दोषी उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, और जो छात्र पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ है, जिनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, उनको न्याय दिलाने का काम सरकार द्वारा किया जाए। वहीं बढ़ती कॉन्ट्रोवर्सी के मद्देनजर एनटीए ने 8 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने कहा
छह केंद्रों के लगभग 1600 अभ्यर्थियों को गलत प्रश्न पत्र वितरित किए गए थे और 2 से 3 अभ्यर्थियों को OMR फटा हुआ मिला था, इसलिए उन्हें परीक्षा देने के लिए कम समय मिला। हमारा निर्देश है कि अगर परीक्षा देर से शुरू होती है तो अभ्यर्थियों को पूरा समय दिया जाए, जो कि ज़्यादातर केंद्रों पर हुआ है। लेकिन कुछ केंद्रों पर परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई कि छात्रों को पर्याप्त समय नहीं मिला। संबंधित अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में जाकर फिर से परीक्षा अथवा प्रतिपूरक अंक दिलाने का अनुरोध किया। हमने HC को जवाब दिया कि हमने समय के नुकसान के मुद्दे को देखने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है, जिसने सिफारिश की है कि छात्रों को समय के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है उन पर एक्शन होगा, लेकिन मामला सिर्फ 1563 छात्रों का है। नीट की जांच कमेटी जो सिफारिश देगी उसके अनुसार कदम उठाए जाएंगे, लेकिन पूरे देश में परीक्षा पर असर नहीं पड़ेगा। मामले में कौन सही है कौन गलत ये समय आने पर पता चलेगा, लेकिन एक बात सुनिश्चित होनी ज़रूरी है, वो है छात्र हित, क्योंकि बहुत से छात्र हैं जो दिन रात एक करके हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाते हुए कई कई सालों तक प्रिपरेशन करते हैं। अगर उनके साथ किसी भी तरह से अन्याय होता है तो उस पर सवाल उठाना बेहद लाजमी हो जाएगा। ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो NTA से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो, जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए। ये था नीट कंट्रोवर्सी पर पूरा वीडियो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के और भी कंटेंट के लिए बने रहिए शब्द सांची के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।